पुराण के अनुसार भगवान शिव आदि और अंत दोनों हैं। महादेव से प्रवाहित होने वाली शक्ति और ऊर्जा अनंत है, इसे कहीं समेटना या रोक पाना असंभव है। वैदिक अनुष्ठान के साथ विधिवत पूजन करने से तो भगवान शिव प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही ये भी माना जाता है कि भगवान शिव तो मात्र जल अर्पित करने से भी पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उनका एक नाम आशुतोष भी है। लेकिन सत्य ये भी है कि यदि विधि विधान के साथ पूजन किया जाए तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होता। भगवान शिव की शरण में आकर तो जो भाग्य में नहीं हो उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो कहा जाता है भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। इसलिए प्रतिदिन पूजन ना कर सकें तो सोमवार के दिन भगवान शिव जी का पूजन अवश्य करें। पूजा के पश्चात शिव जी की आधी परिक्रमा करने का विधान है। वो इसलिए कि शिव जी के सोम सूत्र अर्थात जहाँ से भगवान को अर्पित किए गए जल की निकासी होती है उसको लांघा नहीं जाता है। जब भक्त आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में चंद्राकार परिक्रमा करके भगवान चंद्रशेखर चंद्रमौली अर्थात भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त की जा सकती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।